एवरीवन, आज की जो हमारा पाठ है यानी कि जो वन लाइनर्स हैं वो पाठ है दो बैलों की कथा। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रही हूँ। दो बैलों की कथा पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? तो ये कहानी विधा के अंतर्गत आता है, कहानी के रूप में यह पाठ लिखा गया है। दूसरा प्रश्न है, दो बैलों की कथा कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद अपनी किस प्रकार की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध थे? उपन्यास लिखने के लिए वो प्रसिद्ध थे। प्रेमचंद ने अपनी कहानी दो बैलों की कथा में किसका वर्णन किया है? उन्होंने दो बैलों की मित्रता का वर्णन किया है। दो बैलों की कथा कहानी में किस किस का संबंध दिखाया है? यहाँ पर किसान और उसके पशुओं का संबंध दिखाया गया है। लेखक के अनुसार सबसे बुद्धिमान जानवर किसे समझा जाता है? यहाँ पर देखिए, गधा बोलते हैं। आपने सुना भी होगा, जब कोई मूर्खतापूर्ण कार्य कर देता है तो उसे क्या कहा जाता है? गधा कहा जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को मूर्ख बताते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गधा कहते हैं। गाय कौन सी दशा में सिंहनी का रूप धारण कर लेती है, यानी शेरनी का रूप धारण कर लेती है? ब्याही हुई। इसका उत्तर है, ब्याही हुई गाय सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। ब्याही हुई का तात्पर्य होता है जिसका काऊ का अभी बेबी हुआ हो वह गाय। गधे के चेहरे पर कौन सा स्थायी भाव हमेशा छाया रहता है? विषाद का, यानी कि दुखी हो जैसे वो, विषाद का उसके चेहरे पर हमेशा भाव आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो प्रश्न है वह है, भारतवासियों को किस देश में घुसने नहीं दिया जा रहा था? तो इसका उत्तर है अमेरिका में। प्रश्न है, किस देश के लोगों की एक विजय ने उन्हें सभ्य जातियों के लोगों में स्थान दिला दिया? तो यह स्थान दिलाया था जापान। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। ये शब्द लेखक ने किसके लिए कहे हैं? ये भारतीयों के लिए कहे हैं, क्योंकि भारत के लोग अहिंसक प्रवृत्ति के माने जाते हैं, यानी कि मारपीट नहीं करने वाले। तो लेखक कहता है, यदि वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देते, यानी हिंसा का जवाब हिंसा से देते, तो शायद सभ्य कहलाने लगते। बछिया का ताऊ किसके लिए प्रयोग किया गया है? बछिया का ताऊ का प्रयोग किया गया है यहाँ बैल के लिए। हीरा और मोती बैलों के स्वामी का नाम क्या है? दोनों के मालिक का नाम है झुरी। झुरी के दोनों बैल कौन सी जाति के थे? पछाई जाति के। झुरी के साले का नाम क्या था? गया। दोनों बैल किस कौन सी भाषा में एक दूसरे के भावों को समझ लेते थे? मूक भाषा। मूक भाषा क्या होती है? जिसमें हम बोलते नहीं हैं, चुपचाप रहते हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। झुरी ने प्रातः ही नाद पर खड़े बैलों को देखकर क्या किया? उन्हें गले से लगा लिया था। कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम ना किया? ये शब्द किसने कहे थे? ये शब्द कहे थे झुरी की पत्नी ने। उसके बाद प्रश्न आता है, वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाती नहीं, ये शब्द किसने किसके प्रति कहे? झुरी की पत्नी ने झुरी को कहे। दूसरी बार गया बैलों को कैसे ले गया? बैलगाड़ी में जोतकर। गया की लड़की को बैलों से सहानुभूति क्यों की? सोतेली माँ मारती थी। गया के घर में दूसरी बार बैलों की रस्सियाँ किसने खोली थी? गया की बेटी ने। हीरा ने मोती को गया की पत्नी पर सींग चलाने से मना क्यों कर दिया था? क्योंकि वह स्त्री जाति थी, यानी महिला थी। गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए, ये शब्द किसने कहे? हीरा ने। खेत के मालिक ने दोनों बैलों को कहाँ बंद कर दिया था? कांजी हाउस में। कांजी हाउस में उन्हें बंद कर दिया था, जहाँ पर और बहुत सारे पशु जो थे वो पहले से बंद थे। दीवार को तोड़ना से बैल की कौन सी भावना का बोध होता है? विद्रोह की भावना का। यानी कि यहाँ पर वह बागी की प्रवृत्ति को दिखा रहा है, विद्रोह की भावना को दिखा रहा है। मोती द्वारा दीवार गिरा देने पर कौन सा जानवर नहीं भागा? गधा नहीं भागा। तो दोनों बैलों को कांजी हाउस में कितने दिन रहना पड़ा था? दोनों को एक सप्ताह तक कांजी हाउस में रहना
पढ़ा था। अगर इसी तरह के आप प्रश्नोत्तर किसी और पाठ के पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको किसी प्रश्न का कोई उत्तर समझ में नहीं आए या आपको कुछ गलती नज़र आए तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस और पाठ के एक्सप्लेनेशंस मैं हमेशा आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। और साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर लेना, जिससे सभी के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। और मेरी आशा है कि आपको हिंदी में लगभग 90 से 100% मिले, मैं ये आशा करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।